उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एक वार्ड बॉय ने कथित तौर पर किशोरी से बलात्कार किया। किशोरी ने जब परिजन को पूरा मामला बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिरवा थाने में रेप की FIR लिखाकर वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरसहायगंज क्षेत्र के 50 साल के शख्स को लकवे की शिकायत होने पर बीते शनिवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसकी 12 साल की बेटी को तेज बुखार होने पर डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। आरोप है कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक वार्ड बॉय रवि बहलाकर किशोरी को मेडिकल कॉलेज की 4th मंजिल पर ले गया और नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप किया। बता दें कि काफी देर तक किशोरी के लापता होने पर परिजन उसे तलाशने निकले तो 4th मंजिल पर आरोपी रवि रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके पर आए एक गार्ड ने आरोपी रवि को भगाने में मदद की। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। देर रात तक पुलिस ने रिपोर्ट लिख आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कॉलेज तिरवा में एक मरीज भर्ती था, उसमें उसकी बेटी तीमारदारी में थी। उसी में एक वार्ड बॉय जो उसी वार्ड में था उससे दुष्कर्म की बात उसके द्वारा पंजीकृत कराई गई है और उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है पीड़िता को, और 164 के बयान कराए जाएंगे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।